अगर ये ऋतिक के असली पिता है तो वो अंकुश रहेजा कौन है जो ऋतिक का पिता बन बैठा है? और यामिनी जी वो कौन है? क्या वो जानती है कि सच्चाई क्या है? अगर यामिनी ऋतिक की असली माँ है तो एक माँ तो जानती ही होगी कि बच्चे का बाप कौन है। और अगर अंकुश रहेजा ऋतिक का असली बाप नहीं है, इसका मतलब ऋतिक का बहुत बड़ा राज है जो इन लोगों ने छुपा रखा है। और उस राज में उस नकली बाप के साथ माँ भी रास्ता है, इसलिए वो लोग इतना बड़ा राज इतने सालों से छुपा रहे। नहीं शेषा, वो ऐसी तो नहीं लगती है मुझे। हो सकता है कि वो सच्चाई जानती हो कि अंकुश रहेजा ऋतिक के पिता नहीं है, पर उनकी कोई मजबूरी हो जिस वजह से वो इतने सालों से सच्चाई को छुपा रही है। मैंने देखा है उस माँ को, वो अपने परिवार की परवाह करती है, अपने परिवार के सभी सदस्य से बहुत प्यार करती है। वो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी सास है, बहुत प्यार करती है वो सबसे। और ऋतिक पर तो जान छिड़कती है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने बेटे की मार्केश दोष को काटने के लिए एक अनजान लड़की से वो ऋतिक की शादी क्यों करती? नहीं, उनकी ममता, उनका प्यार सच्चा है। तो अंकुश रहेजा ने जरूर उन पर कोई दबाव डाला है, इसलिए वो चुप है। इस सवाल का जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर अब बस सवाल ही सवाल है। पर जवाब सिर्फ एक, यामिनी जी निर्दोष है और ये इंसान ऋतिक के असली पिता है। यही है वो आदमी, हाँ, जिसे अंकुश रहेजा उस रात अपनी अपनी गाड़ी में ले गया था। उस रात मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर हो ना हो यही है वो इंसान। हाँ शेषा, यही कपड़े। एक बात तो तय, ये वही इंसान है जो देवड़ी में था, जिसे उस अंकुश रहेजा ने बाद में गायब कर दिया। और जब वो सबके सामने आया होगा तो उन लोगों ने इसे मार दिया। अगर यही ऋतिक का असली पिता है तो फिर सालों तक अंकुश रहेजा ने इसे कैद करके क्यों रखा? तो फिर उसे तभी क्यों नहीं मार दिया? अब क्यों मारा इसे? अंकुश रहेजा बहुत शातिर खिलाड़ी है, इतने सालों से ऋतिक का बाप बन के बैठा है, कोई बहुत ही बड़ा खेल खेल रहा है वो। आज घर जाकर पता लगाना होगा कि अंकुश रहेजा अगर ऋतिक का पिता नहीं तो आखिर है कौन? कौन था वो? कहां से आया है वो? शिवन्या, तुम्हें वो तस्वीर याद है जो मैंने तुम्हें दिखाई थी, वो अंकुश रहेजा की, जिसमें वो माली था? हाँ, बड़ी अजीब बात है, अगर अंकुश रहेजा माली था तो यामिनी जी ने उनसे शादी ही क्यों की? हर रिश्ता एक पहेली नजर आता है, इस पहेली को जल्दी सुलझाना होगा। शिवन्या, इससे पहले कि देर हो जाए तुम घर जाओ, किसी को शक हो सकता है तुम पर। हाँ गुरुदेव, अब बहुत जल्द घर जाना होगा, पता लगाना होगा कि अंकुश रहेजा की असलियत क्या है, कौन है वो असली में। ये करोड़ों के उस प्रॉफिट के लिए जो ये डील हमें दे जाएगी। करोड़ों की डील है भैया, एक्चुअली ये डील जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से क्रैक हुई है। चेस। नहीं डैड, ये उस नागमणि की वजह से, वो नागमणि हमारे घर में आई और आते ही हमारी किस्मत बदल दी और ये डील क्रैक हो गई। पहले मैं इन सब चीजों में नहीं मानता था कि नागमणि होती है, लेकिन होती है। होती है भैया, बल्कि आप अपने हाथों से तो लेकर आए हो। अब यही नागमणि हमें मिलियनर से बिलियनर बनाने वाली है, बस एक बार ये डील पक्की हो जाए। डील तो आज रात को ही हो जाएगी, वो फॉरेन डेलीगेट आज ही मिलना चाहते हैं। नागमणि से धन कमाने के लिए कितना खुश है अंकुश रहेजा, ऋतिक के असली पिता की हालत का कोई गम नहीं है इसे। शिवन्या बेटा, जरा वो नेकलेस तो लेकर आना जो मैंने तुम्हें दिया था, कल ज्वेलर आ रहा है, पॉलिशिंग के लिए देना है।
शिवन्या, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने परिवार को वो नागमणि ला कर दी। अब वो नागिन इस घर में पैर तक नहीं रख पाएगी। अच्छा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ तो कर पाया। तुम्हें पता है, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हाँ ऋतिक, परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। हम अपने माँ बाबा परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारा परिवार शहर का बहुत मशहूर, बहुत रईस परिवार है ना? तुम्हारे दादाजी ने बहुत मेहनत की होगी ना ये सब धन संपत्ति बनाने के लिए? वैसे ये सब अंकल की मेहनत से है या फिर दादा परदादा की देन? कभी कभी उनके बारे में कुछ सुना नहीं। क्योंकि ये सब मेरे डैड ने किया, खुद अपनी मेहनत से ये साम्राज्य खड़ा किया, शुरू से शुरू किया। अच्छा, तो फिर उन्होंने तो बहुत मेहनत की होगी ना ये सब कुछ बनाने के लिए, इतना सब कुछ पाने के लिए। कितने लोगों की प्रेरणा होंगे वो। इससे पहले क्या करते थे वो? फिर जासूसी। कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। कितने सवाल पूछती हो तुम। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे। बताओ ना ऋतिक, जब भी कुछ पूछती हो तो टाल देते हो। उस निशान के बारे में पूछा तो नहीं पता, अतीत के बारे में पूछा तो नहीं पता। अरे आखिर तुम इस घर के बेटे हो, कुछ तो पता होगा ना तुम्हें। बस 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 बस, पूछो क्या पूछ रही थी। पापा ये सब करने से पहले क्या करते थे? जमीनों की खुदाई। माली थे वो। हाँ बेटा, बहुत गरीब माली थे, पर आज देखो अपनी मेहनत और ईमानदारी से कहां से कहां तक पहुंच गए। बहुत बड़ा कारोबार है उनका, देश से लेके विदेश तक। अब कहां क्या कितना है ये तो मैं भी नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ, उस इंसान ने अपनी जमीन बनाई और उस जमीन पर हमारा हंसता खेलता परिवार बनाया, हम सबको बनाया। बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी। शायद यामिनी जी अंकुश रहेजा के कहने पर ये झूठ बोल रही है। शायद उन्हें पता ना हो ऋतिक कहाँ से आया है, पर ऋतिक से प्यार बहुत करती है। इसका मतलब मेरा कातिल, मेरा गुनहगार सिर्फ अंकुश रहेजा है। शिवन्या, मैंने जो नेकलेस तुम्हें दिया था वो कहाँ है? माँ ये रहे। ये लो माँ। और कुछ पूछना है? ऋतिक, जब माँ ने बताया कि पापा पहले माली थे तो तुम बिल्कुल हैरान नहीं हुए। तुम्हें इसके बारे में पता था क्या? हाँ, माँ ने बताया था मुझे। तो पहले कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि डैड के बारे में इस तरह कभी बात ही नहीं हुई थी। अब कोई सवाल नहीं होगा। नींद बहुत आ रही है, सो जाए या फिर रात भर जगने का इरादा है? ऋतिक, तुम हो क्या? कौन हो तुम? आज फिर तुमने मुझसे सच्चाई छिपाई। मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाई, पर आज एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। नागमणि हासिल करने में तुम भी अपने पिता के साथ हो। थैंक यू जी। आजकल ना आपकी बहू आपकी जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही है। पूछ रही थी कि इतने रईस बनने से पहले आप क्या करते थे? इनोसेंट है। क्या बोला आपने? मैंने बता दिया, माली थे आप। ये क्यों बोला? क्या जरूरत थी? मैंने बता दिया। तो तेरे खून में इतना उबाल क्यों आ गया रे माली? माली था ना तू? माली था ना तू? अब माली को माली बोल दिया तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? वैसे तेरे जमीनों की खुदाई में तारीफों के फूल बांध कर आई हूँ मैं।
की तो कितना ईमानदार था, कितना मेहनती था, और तेरी वजह से आज हमारा ये घर परिवार कहाँ तक पहुँच गया, कितना पहुँचा हुआ है तू। खैर छोड़ इन बातों को, डील के लिए जाना है। नागमणि देकर पूरे 200 करोड़ रुपए हमें मिलेंगे, और जिन्हें ये नागमणि मिलेगी अरबों में पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा और क्या मिल सकता है ये तो तुम जानते ही हो ना। वो जो मिलेगा, जो दुनिया की हर दौलत, कुदरत की हर नेमत, हर ब्रह्मांड, हर कायनात से कितना ऊपर होगा, ऊंचा होगा वो नागमणि हमें क्या दे सकती है। दूसरी बात, वो तो याद है ना, डील होते ही ऋतिक का काम तमाम, उसके बाद हमें शिवन्या की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बहू शिवन्या, ऋतिक की ढाल शिवन्या, शिवन्या माय फ्रेंड। ऋतिक उसका पिता, उसका भाई, सब मिले हुए हैं, सब धन के लालची हैं, सब झूठे हैं, सच सिर्फ एक है, अंकुश रहजा के हाथ मेरे माँ बाबा के खून से रंगे। देख लिया जो देखना था, मान गई जो आज तक नहीं मानी तुम। हाँ शेषा, जब मैंने ऋतिक को अंकुश रहजा के अतीत के बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं इतनी गलत कैसे हो गई, मैंने ऋतिक को इतना सही कैसे मान लिया। शिवन्या, मैंने तुम्हें बार बार समझाया लेकिन तुम्हारी सोच नहीं बदली। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता। नागमणि ले गया वो, पर हमें उसे वापस लाना है। आज रात नागमणि का सौदा करने वाले हैं वो लोग, और वो पांचवा कातिल वो अंकुश रहेजा के साथ जाने वाला है। हमें वो नागमणि भी वापस लानी होगी, और वो पांचवे कातिल का चेहरा भी देखना होगा। पर कैसे शेषा, हम तो जानते तक नहीं है कि वो सौदा कहाँ होने वाला है। वो तुम्हें पता लगाना होगा शिवन्या। हाँ शेषा, मैं पता लगाऊंगी। आज की रात हमारे लिए बहुत बड़ी रात है। आज की रात हमें शिव जी के चरणों में नागमणि अर्पित करनी है, और हम करेंगे। हे शिव जी, आज आपके सबसे बड़े भक्त जा रहे हैं आपकी मणि लेने। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हाँ हमारा नागमणि ले गए, वैसे तैयार है ना? हाँ, कहाँ पे आना? स्टार होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में। ओके ओके, हाँ एड्रेस दो। हाँ हाँ ओके ओके, हाँ ठीक है। तो ये वो पता है जहां नागमणि का सौदा होगा। शेषा को बताना होगा, अंकुश रहेजा, ये नागमणि हमारे शिवजी की धरोहर है, शिवजी के पास ही जाएगी। नागमणि के सौदागरों आ रही हूं मैं। आपकी खिदमत में हमारा सलाम। सलाम सलाम, आप दोनों की तारीफ। अंकुश रहेजा ने हमें भेजा है। वो क्या है ना, उन्हें आने में थोड़ी सी देरी होगी, इसलिए जब तक वो नहीं आते तब तक हम आपका दिल बहलाएंगे। ऐसे बहलाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। वल्ला वल्ला, आइए आइए, आप दिल बहलाइए। क्या क्या कर सकती हैं आप हमारे दिल के लिए? कुछ भी, जो हम लेने आए हैं, मतलब आपका दिल, उसे पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या क्या करें बताइए, कौन सा जलवा देखेंगे आप? हमारा जलवा जो भी देखता है वो ऊपर चला जाता है। मतलब हवा में घूमने लगता है। देखेंगे हमारा जलवा? वल्ला, खूबसूरत हसीना हो,
रात और रंगीन बनाइए आप, दिखाइए जलवा, दिखाइए। तो देख लो। दे दिया निद्राविश, अब कुछ घंटों तक बेहोश रहेंगे और हम अपना काम कर जाएंगे। हबीबी सलाम। सलाम। वो आ गया, वो पांचवा इंसान, वो पांचवा कातिल आ गया। लेकिन लेकिन ऋतिक, ऋतिक नहीं आया शेषा। इसका मतलब वो उन कातिलों में शामिल नहीं। फिर पागलपन, फिर दीवानगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऋतिक ने ही इस पांचवे कातिल को यहाँ भेजा है। जिसने जिसको भेजा है, कौन यहाँ आया है, हमें बस अपने काम को अंजाम देना है, यही याद रखना। तो आओ सौदागर, आओ देख लो हमारा ये रूप भी, देख लो। सलाम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज आए नहीं वो आपके साथ जो हमेशा आते हैं? वो आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, मैं वो लेके आया हूं जो आपको चाहिए। ये रही आपकी नागमणि। नागमणि हमारी धरोहर है बूढ़े, अभी पहले तो ये नागमणि हासिल करनी है, फिर देख लेंगे कहां रह गया वो पांचवा कातिल। लाइए, दीजिए नागमणि। ऐसे नहीं, पहले पैसे, एक हाथ से पैसे दीजिए और दूसरे हाथ से नागमणि लीजिए, यही सौदा हुआ था ना। ये लीजिए, विश्वास नहीं तो गिन भी लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक ही है, गिनती शुरू कर दी तो बूढ़े से महाबूढ़ा हो जाएगा, फिर मेरे दिल का क्या भरोसा, क्या पता डस लूं तुझे। लाओ दो नागमणि। ठीक है, लाओ दो नागमणि। नागमणि तो मिल गई, पर वो पांचवा इंसान ऊपर क्यों नहीं आया? वो हमारे सामने आए और हम उसे देख भी ना पाए, ऐसा हो नहीं सकता। शेषा तुम ये नागमणि लेकर शिव मंदिर जाओ, गुरुदेव के पास। मैं अंकुश रहजा का पीछा करूंगी, आज पता लगा कर रहूंगी कि वो पांचवा कातिल है कौन। ठीक है शिवानिया, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ये लो, मिल गया। पूरे 200 करोड़ ले आए। फालतू में आप नागिन से डर कर ऊपर नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। मणि दे भी आया और मणि दे भी आया। ज्यादा उछल मत मान ले, किस्मत वाला है जो आज नागिन तेरे रास्ते में नहीं आई। लेकिन मैं भी कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। खैर छोड़ो इन बातों को, हमें ये पैसे चाहिए थे, वो हमें मिल गए। कोई नागिन वागिन नहीं है। Ha 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 ha!
उतर, नीचे उतर। नहीं 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 नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। नीचे जाऊंगा तो इनादी मुझे मार देगी और आप पैसे लेके चंपत लोगे ना, ये चाहते हो ना? नहीं मैं नहीं उतरूंगा, नहीं उतरूंगा। ये बकुल मौली का मौली ही रहेगा तू, ये पैसे ले और भाग यहां से। ये नागिन इन पैसों के लिए नहीं आई है और ना ही तेरे लिए आई है। मैं जानती हूँ ये यहाँ किस लिए आई है और क्यों आई है। पैसे ले और भाग यहां से। एक ही नागिन है ना, मैं संभाल लूंगी। उतर, नीचे उतर, भाग, उतर। मैंने कहा भागो, भाग नीचे। क्या हो रहा है? पैसे लेकर कहाँ जा रहा है अंकुश रहेजा? जाने दो, मुझे तो आज इस पांचवें इंसान को बेनकाब करना है, इसे अंदर से बाहर लाना है, इसका चेहरा देखना है मुझे। मेरा बात पलट के मुझ पर ही क्यों आ रहा है? भाग गई नागिन, डर के मारे भाग गई वो नागिन। नागिन भी गई और नागमणि भी गई। आज के बाद मुझे कोई नहीं छू पाएगा। मैं दामिनी सिंह, पंचनेर की राजकुमारी, कभी किसी से हार नहीं मानी हूं और आज भी हार नहीं मानूंगी। नहीं मानूंगी मैं। ऋतिक यहां भी नहीं, वहां भी नहीं था, तो फिर वो गया कहां? ये कहां रह गई पंचनेर की राजकुमारी? उस नागिन ने उनको कुछ क्या बात है? क्या बात है माली, मेरे प्यार में तो पागल हो गया? नहीं नहीं, मुझे चिंता हो रही थी कहीं उस नागिन ने आपको, मेरा मतलब आपका चेहरा तो नहीं देख लिया ना उसने? जानता है हम दोनों में फर्क क्या है? तू माली, मैं मालकिन। तू जमीन के ऊपर नहीं उठ सकता और मैं आसमान को नाप लेती हूँ। जैसे तू नहीं जानता, इस बार वो नागिन भी नहीं जानती कि उसके सामने तुम जैसे बेवकूफ और डरपोक लोग नहीं। मैं हूँ, मैं यामिनी सिंह, और मैं नागिन वागिन से नहीं डरती। वो नागिन मुझे देखकर भाग गई। पैसे, पैसे कहाँ है? पैसे कहाँ रखे? एक खोलता हूँ। ये तो सिर्फ 200 करोड़ है, ये तो कुछ भी नहीं है।
वो पांचवा कातिल बहुत खतरनाक, बहुत शातिर, बहुत टेढ़ा है। उस तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा। अब बहुत सोच समझ कर अगला वार करना होगा। पर उस तक पहुंचू कैसे, पता कैसे लगाऊ कि वो है कौन? हमें तो वो मिलने वाला है जो उन्हीं को मिलता है जिसके पास वो नागमणि होती है। हमें जो मिलने वाला है वो अद्भुत है, असाधारण, अद्वितीय, भव्यता से भी कई ज्यादा भव्य। उसके बाद ये सारी कायनात हमारी होगी। पैसे गिने ना। माली, पैसे लेकर तो नहीं भागेगा ना? हे शिव जी, आपकी नागमणि वापस मिल गई है हमें। नागमणि तक पहुंचाने के लिए, उसे वापस लाने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब मेरे इंतकाम का अगला पड़ाव है। मेरे माँ बाबा के तीन कातिलों को उनके अंजाम तक तो पहुंचा दिया है मैंने, अब बचे तो अंकुश रहेजा और वो पांचवा इंसान जो पर्दे के पीछे है। हर बार मैं सोता हूं तो तुम मुझे देखती हो। इस बार मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम बहुत खूबसूरत हो शिवानी। ये खून शिवानी को, ये चोट कैसे लगी? शिवानी, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? किचन में काम करते हुए कांच का ग्लास टूटकर पैर में चुभ गया। अरे रुको, कहाँ जा? छोड़ो। अच्छा, मैंने छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? एक पैर पे चोट लगी है, दूसरे पैर पे चलकर उसे भी घायल करना है क्या? और ये बैंडेज किसने लगाई है? घाव कहीं और है और बैंडेज कहीं और। मैं लगाता हूँ। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बहुत दर्द हो रहा है। अभी भी हो रहा है? पर चोट पर तो मैंने दवा लगा दी है। कुछ चोट ऐसे होते हैं ऋतिक, जिन पर दवा काम नहीं करती। इतनी गहरी चोट है? कभी कभी चोट की गहराई समझ में ही नहीं आती कि कैसी चोट है ऋतिक। शिवन्या, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा हर दर्द मिटा दूंगा। तुमने ही तो दर्द दिया है। मतलब तुम बैंडेज कर रहे थे ना, तो दर्द हो रहा था। अब नहीं होगा, ओके? आज तुम जमीन पर पैर नहीं रखोगी, समझी? समझी, पर पैर नहीं रखूंगी तो चलूंगी कैसे? बंदा हाजिर है, जहां बोलोगी बाहों में उठाकर लेकर जाऊंगा। इसी बहाने थोड़ा रोमांस भी हो जाएगा और जोरू की गुलामी भी। ऋतिक, आज तुम्हारी इस अंगूठी ने इतना दर्द नहीं दिया है मुझे जितना तुम्हारे धोखे ने दिया है। तुम्हारे लिए मैं शेषा से लड़ गई, अपने आप से, अपने भगवान से लड़ गई, पर तुम भी इन कातिलों के साथ निकले। ऋतिक बेटा, पूरी रात तुम बाहर थे, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ, आपने कहा था कि नागमणि के आते ही सारी आफत टल जाएगी, लेकिन देखिए नागमणि के आते ही शिवन्या को चोट लग गई। किचन में काम कर रही थी और कांच चूक गया। तुम नहीं जानते ऋतिक, नागमणि किसे दे आए ये लोग? नागिन को। वो शिव भक्त हैं, जो शिव को अर्पित कर देंगे वो नागमणि। बेटा ठीक है, ध्यान से काम किया करो। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया,
इस घर में इतने सारे सर्वेंट्स हैं, उनसे काम कराओ। पर नहीं, सब तुम ही करना चाहती हो ना? माँ, आप कितना कुछ करती हैं इस घर के लिए, तो मुझे भी तो करना चाहिए ना। माँ, जब ये मेरी नहीं सुनती तो आपकी क्या सुनी? मतलब थोड़ा बहुत सुनती है पर अब ज्यादा शर्मा मत, शिवन्या के लिए मैं नाश्ता भेजती हूँ। मृतक बताना ही भूल गई, अंकित जी तुम्हें बुला रहे थे, कोई अर्जेंट काम है शायद। मैं अभी आया, मैं डैड से मिलकर आता हूँ। जमीन पर पैर मत रखना, ओके? जैसे यशोदा माँ ने कृष्ण जी को अपने पलकों में बिठाया था, वैसे ही माँ ने भी ऋतिक को भी अपने पलकों पर, वो तो जानती तक नहीं कि उनके बेटे और उनके पति ने मिलकर नागमणी चुराई है, उसे जाकर बेचा है। और माँ को ऋतिक मिला कहाँ? ऐसी क्या जरूरी बात करनी है इस वक्त अंकुश रहेजा को ऋतिक से? तो डैड, आप किसी ड्राइवर को क्यों नहीं भेज देते? बेटा क्या है, उन लोग मेरे बहुत खास हैं। ड्राइवर आज आया नहीं है, अंगद घर पे है नहीं, और मुझे भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना, इसलिए तुझसे बोल रहा हूँ, प्लीज चला जा, बहुत क्लोज है उन लोग। डैड, इतने सालों से मैं आपके कितने क्लोज आ गया कि आप बच्चे से बड़े हो गए, और इतने सालों में मैंने आपके इस दोस्त का नाम तक नहीं सुना। कोई ज्यादा क्लोज आ गया है तो बता दीजिए। शराब मजाक मत कर, देख मेरी बात ध्यान से सुन, फ्लाइट उनकी लैंड होने वाली है, ठीक है, जल्दी से चला, और एक काम करना, वो फैक्ट्री वाला जो रास्ता है शॉर्टकट वो ले लेना, जल्दी पहुंच जाएगा, प्लीज। हाँ डैड, अब आप बोल रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही ना। या इतनी सुबह सुबह अंकुश रहेजा ने किसी को लेने भेज दिया ऋतिक को? बहुत शक्तिशाली है, बहुत खतरनाक, बहुत शातिर। उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं, हमें हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। शीशा, मेरी बेटी को बचा लो, मेरा बेटा, मेरी बेटी को बचा लो, वो मार देंगे, वो मार देंगे, मेरे युवराज को बचा लो। ऋतिक, ऋतिक की जान खतरे में है। अंकुश रहेजा, अंकुश रहेजा ऋतिक को मारना चाहता है। देख मेरी बात ध्यान से सुन, फ्लाइट उनकी लैंड होने वाली है, ठीक है, जल्दी से चला, और एक काम करना, वो फैक्ट्री वाला जो रास्ता है शॉर्टकट वो ले लेना, जल्दी पहुंच जाएगा, प्लीज। शेषा, ऋतिक की जान खतरे में, मुझे ऋतिक के पास जाना है, मुझे अभी ऋतिक के पास जाना होगा। शिवानी आगे जा, शिवानी रुक जा, फिर वही गलती, फिर वही प्यार, फिर वही पति परमेश्वर को बचाने की चिंता क्यों? शिवानिया, शिवानिया, तुम क्यों हमेशा भूल जाती हो कि ऋतिक हमारा दुश्मन है? क्यों दुश्मन की जान बचाने चली हो तुम, क्यों? शेषा, मुझे मत रोको, आज ऋतिक की जान खतरे में है। जब जब मैंने ऋतिक पर शक किया, वो निर्दोष साबित होकर सामने आया है। न जाने क्यों मेरा मन कहता है, मेरी आत्मा कहती है कि मेरा ऋतिक निर्दोष है, मुझे जाने दो। मेरा ऋतिक? शिवानिया, शिवन्या, ये तुम्हारी आत्मा नहीं, ये तुम्हारे प्यार का फितूर है, तुम्हारा पागलपन है।
तुमने अपनी आंखों से देखा है ना ऋतिक को नागमणि लेते हुए, देखा है ना? और कितने धोखे खाने चाहते हो तुम बोलो? बस आज एक आखिरी मौका दे दो। मैं जानती हूँ कि ऋतिक निर्दोष है, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि ऋतिक निर्दोष है। बस आज एक आखिरी मौका दे दो। क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं? जल्दी करो, टाइम नहीं मेरे पास। आज मुझे ऋतिक की मौत चाहिए, समझ में आया कि नहीं तुम लोगों के? और हाँ, एक बात और, एक बात का ध्यान रखना कि ये मर्डर बिल्कुल मर्डर जैसा नहीं लगना चाहिए। हाँ, लगना चाहिए कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और एक्सीडेंट हो गया। अरे मैंने तुम लोग को बोला ना कि मैंने उसको फैक्ट्री वाले रास्ते से भेजा, वो शॉर्टकट वाले रास्ते से। हाँ, जल्दी काम करो, काम खत्म होते मुझे फोन करो। और अगर तुम लोगों ने काम नहीं किया ना तो तुम जानते हो मैं तुम लोगों का क्या हाल करने वाला हूँ। रखो फोन और काम पे लग जाओ, चलो। हाँ इसका मतलब मेरा शक सही निकला, अंकुश रहेजा ने ऋतिक को मारने की साजिश की है। ऋतिक कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? थैंक यू साहब, गाड़ी बिल्कुल ठीक कर दी है। हेलो ऋतिक, ऋतिक तुम कहाँ हो? तुमसे दूर जा रहा हूँ, अरे एयरपोर्ट जा रहा हूँ, पापा के कोई खास दोस्त आ रहे हैं, उन्हें पिकअप करने जा रहा हूँ। लेकिन पता नहीं पापा ने कौन से शॉर्टकट से भेजा है मुझे, रास्ता एकदम खराब है, इतने खड्डे हैं ना यहाँ पर, मैं बता नहीं सकता। अच्छा सुनो, एक मिनट, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ। ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? ऋतिक, ऋतिक मेरी बात सुनो। उन्नो, ब्रेक फेल। अंकुश, क्या बात करेगी हैं? पहले तो नागमणि देने में इतना देर कर दी और दी तो इतना बड़ा धोखा दिया। अरे कौन सा धोखा भाई, कौन सा धोखा? तुझे क्या लगा कि हम शराबी हैं, कबाबी हैं? शबाब के नशे में आकर हम लुट जाएंगे? तूने जो दो लड़कियां भेजी थी ना हमें गुमराह करने के लिए, वो तो चली गई, हमें बेवकूफ बनाकर हमें बेहोश कर दिया, और उसके बाद तू पैसा लेकर चंपत हो गया। अच्छा गेम खेला तूने, अच्छा गेम। कौन सा गेम भाई, कौन सा? एक मिनट, कौन सा गेम खेला? मैंने आपको मनी दी, आपसे पैसे लिए, बात खत्म। कौन सी मनी? कौन सी मनी? अरे हमने तो वो मनी देखी भी नहीं। तूने धोखा दिया धोखा, हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, देख केस ठोकेंगे। अरे तू देख, नहीं तो चुपचाप पैसे वापस दे दे। अरे पैसे क्यों दूं? पैसे क्यों दूं? मैंने जो दिए हमने पैसे, वो पैसे वापस दे दे। मैं पैसे नहीं दूंगा। कैसे पैसे नहीं देगा? कैसे नहीं देगा पैसे? इनके पैसे वापस दे दीजिए अंकित जी। अरे जैसे मैंने कहा वैसा कीजिए, जाइए। सॉरी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमने आपको धोखा नहीं दिया, नागमणि आपको मिल जाएगी, यकीन कीजिए। जब मिलेगी तब देखेंगे। जी ये क्या किया आपने? हमने नागमणि दी थी उनको, आपने? हाँ दी थी, तूने नागमणि दी थी, लेकिन इन लोगों को नहीं,
नागिन को दी थी। वो दोनों नागिन लेकर चली गई वो नागमणी। इन लोगों का रूप धारण करके वो दोनों नागिन नागमणी लेकर चली गई, वापस चली गई वो नागमणी। अब जरूरत है नागमणी वापस लाने की। उसे रोकना होगा, ऋतिक को बचाना होगा। ऋतिक के पिता कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। गुरुदेव, 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 ऋतिक के पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए वो? यहीं तो थे, ऐसी हालत में कहाँ जा सकते हैं? मैं देखती हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने चारों तरफ देख लिया है, वो कहीं नहीं है, कहाँ जा सकते हैं? हे भोलेनाथ, शिवलिंग को अपनी जगह से किसने हटाया? शेषा नागमणि नहीं है, कौन लेकर गया वो? कौन लेकर गया? गुरुदेव, ऋतिक के पिता और नागमणि दोनों गायब है। कैसे? हेलो हेलो हेलो, फोन उठाओ फोन उठाओ फोन उठाओ। कथू, ऋतिक को मारना नहीं है, ऋतिक का घर मर गया तो मैं मर जाऊंगा। फोन उठाओ फोन उठाओ फोन उठाओ। कथू, फोन क्यों नहीं उठा रहा हूं? हाँ साहब। हाँ हेलो हेलो, सुनो सुनो, वो मैंने जो बोला था वो करना नहीं है, ऋतिक को मारना नहीं है। हा? वो प्लान कैंसिल, एक्सीडेंट कैंसिल, उसको मारना नहीं, समझे? लेकिन साहब उसकी कार तो? कार तो क्या, उसकी कार खाई में गिर गई, चितड़े उड़ गए उसके। मुझे लगता बच्चा होगा, उसकी तो बॉडी भी नहीं मिलेगी। अरे उसको मारा क्यों? लेकिन साहब आपने ही तो बोला था। अरे इडियट, ऋतिक मर गया, ये अमी को पता चलेगा तो मार डालेगी मुझे। ऋतिक को मरना नहीं चाहिए था, कैसे बताऊं यामिनी को? बताना तो पड़ेगा। ऋतिक मर तो गया लेकिन ना गलत वक्त पर मरा है। एंकी, तू तो गया, तू गया। ऋतिक, मेरे लिए शिवजी का वरदान हो तू। तुम वो इंसान हो जिन्हें स्वयं शिव जी ने मेरे लिए चुना है। मैं उनके वरदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मेरा प्यार हो तुम, एक इच्छाधारी नागिन का प्यार हो तुम, एक इच्छाधारी नागिन के पति हो तुम, और मैं अपने प्यार को मरने नहीं दूंगी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.